घमंडी हिरन। एक जंगल में एक हिरन रहता था। वह बहुत घमंडी था। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था, तब उसे प्यास लगा। वह एक तालाब के पास पहुंचा। साफ पानी में खुद की परछाई देखने पर वह पानी पीना छोड़कर बस खुद की परछाई को ही देखने लगा। मैं कितना सुंदर हूँ, बड़ी बड़ी आंखें, पान जैसे कान, टेढ़ी सींग और चमचमाती हुई त्वचा। इस जंगल में मुझसे ज्यादा सुंदर कोई हो सकता है भला? ऐसे उसके शरीर के हर एक भाग का सुंदर वर्णन कर रहा था। इतने में उसकी नजर खुद के पैरों पर पड़ा। तुरंत वह मायूस हुआ। पैर ऐसे क्यों है? बहुत ही पतले, इन्हें देखने से मुझे शर्म आ रही है। आहा, भगवान ने इतने सुंदर शरीर दिया लेकिन ऐसे पैर क्यों दिए, बोलकर उदास हुआ। खुशी से उछलने वाली हिरन के हृदय में बाधा उत्पन्न हुई। काश ये छोटी सी भी कसर ना होती तो कितना अच्छा होता। इतने में उसे कुछ दुर्घटना घटने का एहसास हुआ। आसपास देखने से एक शिकारी पेड़ के पीछे छुपा था। उस जगह से वह तुरंत भाग निकली। शिकारी पीछे पड़ा था। उसके मजबूत पैरों से चंचन कदम रखते हुए तेजी से हिरन सुरक्षित जगह पहुंचने तक दौड़ता गया। अंत में कतरे से बाहर आई हिरन भागना छोड़कर एक पेड़ के नीचे खड़ा था। हाय, मैं तो बार बार बच गया। वह कतरा टलने के बाद अपने पैरों को देखते हुए कहा कि पहले तो मेरे पैर गंदे दिख रहे थे लेकिन अब अच्छे दिखने लगे। हिरन ने भगवान को धन्यवाद करते हुए अपने गमन को त्याग कर हिरन सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा। शेर और बक की कहानी। एक जंगल में एक शेर था। वह जानवरों को शिकार करके अपना समय बिताता था। एक दिन शेर एक जानवर को खाते समय उसका हड्डी गले में फंसकर ना बाहर ना अंदर आकर बहुत परेशान हुई। दर्द से जोर जोर से चिल्लाते हुए बेचैन हो गए। बेचारा दर्द से पूरा जंगल में घूम रही थी। घूमते हुए शेर को पेड़ पर बैठा हुआ कौवा दिखाई दी। कौवा दोस्त, मेरे गले में फंसा हुआ हड्डी को क्या बाहर निकाल सकते हो? बाद में मैं आपको जो चाहिए वो करूँगा। दर्द को सह नहीं पा रहा हूँ। शेर जी, जन्म से ही हम दोनों शत्रु हैं ना, आपकी बात पर मैं विश्वास नहीं करूंगी। जाओ जाओ यहाँ से। अब करने को कुछ नहीं है करके शेर जंगल में चले गए। घूमते हुए शेर को एक पेड़ पर बैठा हुआ बक दिखाई दिया। बक दोस्त, क्या आप मेरे गले में फंसा हुआ हड्डी को बाहर निकाल सकते हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, जरूरत पड़ने पर एक दूसरों की सहायता करनी चाहिए। वो एक क्रूर जंतु है, वो हमारा शत्रु है। उसके मुंह में मुंह मत लगाओ वरना वो तुम्हें खा जाएगा। नहीं नहीं, शेर का दर्द को मैं देख नहीं पा रही हूँ। शत्रु को भी मुश्किल समय में सहायता करना अच्छी बात है। दोस्त मना करने पर भी वह जाकर उसका लंबी चोंच से शेर के गले में फंसा हुआ हड्डी को निकालकर सहायता की। दोस्त, आपका यह सहायता बहुत बड़ा है। आज से हम दोनों दोस्त हैं। शेर ने प्यार से कहा। बेचारा बक मान गए। दोनों बहुत दिन तक साथ रहे। खेलकर, बात करके और शेर का लाया हुआ शिकारी को खाकर अच्छे दोस्त जैसा समय बिताए। मगर कुछ दिन शिकारी ना मिलने पर भूख से मरे जैसा हो गए शेर। उसके भूख के सामने अच्छे बुरे की मतलब नहीं रहा। वह जब मुसीबत में थी तब बक का किया हुआ सहायता भी भूल गए। बक को सामने देखकर उसको खा के भूख मिटाने से कोई गलती नहीं है, ये सोचकर वो फिर गले में कोई चीज फंस गई करके नाटक किया। बक उस हड्डी को निकालने के लिए शेर की करीब आता है। फिर मौका देखकर एकदम से शेर उसको पकड़ लेता है और फिर उसे खा लेता है। इसीलिए बड़े लोग बताते हैं कि शत्रु से दोस्ती ठीक नहीं है। दो बकरियों की लड़ाई। एक जंगल के बीच में
एक बहुत गहरी नदी हुआ करती थी। उस नदी को पार करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए उस नदी के बीच में एक लकड़ी का चकला लगा हुआ था। वो चकला एक पुल की तरह था। वो एक ही सहारा था उस नदी को पार करने का। वो पुल बहुत पतला था, इसी कारण उस पार सिर्फ एक ही जन चल सकता था। एक दिन उस नदी के दोनों किनारों पर दो बकरियां थी। वो दोनों ही उस नदी को पहले पार करना चाहती थी। वो दोनों अपने अपने कबीलों की मुख्य बकरियां थी। वो दोनों एक ही समय पर चकले पर चढ़ गई। वो दोनों एक दूसरे को देखते देखते आगे बढ़ रही थी। जब वो दोनों बीच में आ पहुंची तो एक बकरी ने दूसरे बकरी से कहा, बता भी है कि मैं कौन हूँ। मैं इस पुल पर पहले आई थी, इसलिए मैं ही पहले इसे पार करूंगी। तुम चुपचाप पीछे हट जाओ। दूसरी बकरी को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, तुम्हारे बारे में मालूम करने का मेरे पास वक्त नहीं। इतना काफी है कि तुम बेवकूफ बकरी हो। क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं आगे से आ रही हूँ, तो तुम उस पल पर चढ़ी ही क्यों? अब हटो, मुझे जाने दो। शायद तुम्हें पता नहीं, मैं इस इलाके की मुखिया हूँ, इसलिए तुम मुझसे नहीं जीत सकती। तुम्हें वापस जाना होगा। अच्छा, शायद तुम्हें नहीं पता कि मैं अपने इलाके की मुखिया हूँ और मैं कभी भी हार नहीं मानती। मुझे आगे जाना है, मेरा समय बर्बाद मत करो। दोनों बकरियां अपने अपने अहंकार को लेकर लड़ पड़ी। लड़ते लड़ते बात बहुत आगे बढ़ गई। जब बातों से कुछ हल नहीं मिला तो पहली बकरी ने दूसरी बकरी को अपने सींग से धक्का देने की कोशिश की। दूसरी बकरी को बहुत गुस्सा आया, उसने भी अपने सींग से वार किया। लड़ाई के दौरान दोनों बकरियां के सींग टूट गए, लेकिन फिर भी दोनों ने हार नहीं मानी। वो एक दूसरे को धक्का देकर लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते वो दोनों पानी में गिर गए। उस नदी का पानी बहुत तेजी से बह रहा था। वो दोनों ने बहुत कोशिश की कि अपने आप को बचा सके, पर वो असफल रहे। वो दोनों ही नदी के साथ बह गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपनी जिद को पीछे करके समझदारी से काम लें तो ही अकलमंदी है। कुएं का मेंढक। एक गांव में एक कुआं हुआ करता था। वो कुएं का पानी बहुत पुराना था, इसीलिए उसे कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था। उस कुएं में एक मेंढक ने अपना घर बसा लिया था। वो सब उस कुएं में खुशहाल जिंदगी बिताते थे। उनकी आवाज हमेशा उस कुएं में गूंजती रहती थी। एक दिन उस मेंढक के बच्चों ने अपनी माँ से कुएं के बाहर जाने की दुनिया देखने की अनुमति मांगी। मैं आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी, प्लीज एक बार देखने दो ना। अगर बाहर की दुनिया एक बार देख के आए तो क्या हो जाएगा? बाहर जाने दीजिए ना। बेटा, अगर आप लोग बाहर जाओगे तो कहीं खो जाओगे, फिर मैं आप लोगों को कैसे ढूंढूंगी? बहुत बोलने के बावजूद भी वो बच्चे नहीं माने। वो लगातार अपनी माँ को मनाने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों की इस जिद को देखकर माँ को बहुत गुस्सा आया। मैंने हमेशा अपनी माँ की बात मानी है, मैं कभी भी इस कुएं से बाहर नहीं गई। तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। माँ गुस्से में चली गई। मम्मी को कुछ नहीं पता, भाई चलो हम बिना मम्मी को बताए ही चले जाते हैं। उन दोनों ने बिना माँ को बताए ही जाने की निश्चित कर लिया। जब उनकी माँ सो रही थी, वो चुपचाप उस कुएं से कूदकर बाहर आ। कुएं के मेंढकों ने कभी भी बाहर की रंगीन दुनिया नहीं देखी थी, इसीलिए वो सब कुछ देखकर हैरान रह गए। आगे एक हाथी खड़ा था। उसे देख मेंढक के बच्चे आश्चर्यचकित हो गए। बिना आंख मूंदे वो हाथी को देखते रह गए। हाँ भाई, अगर ये हमारे कुएं में आ गया तो इसे तो वो भी बसने होगा। इसको क्या कहते होंगे भाई? दोनों बच्चे हाथी को देख घबरा गए और उन्होंने अपनी माँ से उनके बारे में पूछने की ठानी। वो तुरंत कुएं में वापस कूद गए। वो जल्दी जल्दी अपने माँ के पास आए और सब कुछ अपनी माँ को बताया। पहले उनकी माँ बहुत गुस्से में आई, फिर वो भी सोचने लगी। उस चीज का अंदाजा लगाने के लिए
वो बच्चों से अपने दोनों हाथ उठा गए और अपना पेट खुला के पूछने लगी। बेटा क्या वो कितना मोटा था? नहीं। तो फिर क्या इतना मोटा था? नहीं। उसने अपने हाथ और पेट को और फैलाया और पूछने लगी, अरे तो क्या इतना मोटा? बच्चे बार बार अपना सर हिलाकर नहीं नहीं बोलने लगे। इधर देखो इधर मेरी ओर। बहुत ज्यादा पेट फुलाने के कारण उस मेंढक का पेट फूट गया और वो मर गई। इसीलिए कहते हैं कि आधा ज्ञान और मूर्खता हमारे ही लिए हानिकारक है।